एक और बड़ा दिन और एक और बड़ा मैच आज आईपीएल के अंदर होगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस, दूसरी तरफ है इंडिया का दिल दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत के बगैर है इस सीजन के अंदर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आज के मैच के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर मैच है, इसके अंदर ऋषभ पंत की जर्सी का नंबर पहन के ये वाली टीम खेलेगी। डेविड वार्नर की कैप्टनसी के अंदर दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स से 50 रन से हार चुका है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अपना पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स एम एस धोनी की टीम से काफी अच्छे तरीके से जीता है। राशिद खान की परफॉर्मेंस आपको याद होगी, मैन ऑफ द मैच वो बने, छक्के भी उन्होंने मारे, इसी के साथ साथ विकेट भी उन्होंने ली। लेकिन गुजरात टाइटंस ऑन पेपर अच्छी टीम नजर आ रही है, उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ, लेकिन के मेन प्लेयर केन विलियमसन बगैर बल्लेबाजी किए इस आईपीएल से बाहर हो चुके हुए। लेकिन इनके लिए गुड न्यूज ये है कि इनके डेविड मिलर ने इनको ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो दिल्ली कैपिटल के प्लेयर्स भी काफी सारे अवेलेबल हो चुके हैं। एंड्रिक नोकियन के आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी जिसे कहते हैं अवेलेबल होंगे इस मैच के अंदर। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली कैपिटल्स कौन सा कॉम्बिनेशन बना के इस मैच को जीतेगी, दिल्ली कैपिटल्स ने क्या पिछले मैच में गलती की थी और क्या गलती को दोबारा दोहराएगी। अगर बात करें दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें ऑन पेपर स्ट्रांग है, दिल्ली कैपिटल्स ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर देखा जाए गुजरात टाइटंस को, तो मेरा हमेशा की तरह एक ही चीज होगा, गुजरात के पास ज्यादा मैच विनर्स है। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स के की, तो डेविड वार्नर इनके पास है, सीखा था पृथ्वी शाह, मिचेल मार्श, राइली डुसू, ये चार जैसे कहते हैं खतरनाक किस्म के ओपनिंग प्लेयर्स हैं, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ये टॉप पर तो बड़ा खतरनाक है। सीखा था सरफराज खान इनके पास है और जबरदस्त किस्म के इनके पास प्लेयर नीचे मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो उनके पास है वाइट बॉल का 2023 का बेस्ट प्लेयर शुभमन गिल, इसी के साथ विद्यमान शाह इनके पास है, हार्दिक पांड्या इनके पास है, केन विलियम की जगह अब ये किसको खिलाएंगे हमने देखा, डेविड मिलर खेलेगा या मैथ्यू वेड को भी खिलाते हैं, डेविड मिलर को, दोनों को साथ खिलाते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसी के साथ अगर बात करें हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी करते हैं, राहुल श्रीवास्तव इनके पास है, ओडेन स्मिथ इनके स्क्वाड के अंदर है, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे तो फैसला कल के मैच के अंदर होगा। लेकिन दोनों टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमों का पलड़ा भारी है, एक तरफ जो एक टीम जीत कर आ रही है, एक तरफ जो एक टीम है वो हार कर आ रही है। लेकिन जो मुझे लगता है ना, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने गुजरात को पिक किया हुआ है प्लेऑफ के लिए, और मुझे लगता है गुजरात टाइटंस फाइनल भी खेल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना गुजरात टाइटंस की जो टीम है ना वो आज का मुकाबला भी जीत जाएगी, ये अपना जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके चलेंगे। आई स्टिल बिलीव कि दिल्ली कैपिटल एक अच्छी टीम है, लेकिन इनको आगे जाके जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बनाने में इनको मुश्किल होगी। अगर ये आज का मैच जीत गए तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं ना बोनस होगा इनके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आज का मैच जीतेंगे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा कॉम्बिनेशन बनाने के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा कॉम्बिनेशन जब इनका एक दफा बन जाएगा फिर ये टीम बड़ी खतरनाक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आज का जो मैच है ना वो गुजरात टाइटंस आज का मैच जीतेंगे। और एक्स फैक्टर्स की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम से मुझे लगता है कि ना राशिद खान तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल, ये जो तीन नाम है ना ये बनेंगे इस मैच के एक्स फैक्टर, इनमें से कोई प्लेयर चलेंगे। इसी के साथ अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, अगर दिल्ली कैपिटल फिलहाल जीतेगा नहीं, लेकिन इन केस अगर दिल्ली कैपिटल जीतता है तो जो प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जो इनको जितवा सकते हैं उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, मिचेल मार्श हो गए, इसी के साथ साथ मुझे लगता है एंड्रिक नोकिया अगर खेलते हैं तब की सूरत में, और डेविड वार्नर, ये मुझे तीन प्लेयर ऐसे लगते हैं जो जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सकते हैं, अपनी टीम को जितवा सकते हैं। अगर बात करें वेन्यू की, तो आप सब जानते हैं दिल्ली का ग्राउंड है फिरोज शाह कोटला का पहला नाम था, अब जिसको कहते हैं नाम चेंज हो गया हुआ है। वेन्यू की बात करें तो हमने देखा हुआ यहाँ पे ऋषभ पंत अपने टाइम में बड़े छक्के मारा करता था, बड़े जैसे कहते हैं ना रन मारा करता था, लेकिन अब ऋषभ पंत जिसको कहते हैं ना बातें हम कर सकते, ऋषभ पंत को बाद में आईपीएल के अंदर खेलते हुए देखने के लिए हमें अगले सीजन तक वेट करना पड़ सकता है। अगर बात करें दोनों टीमों के बोलिंग की, तो दोनों टीमों की बोलिंग में मुझे जिसमें कहते हैं ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलिंग जो नजर आ रही है वो मुझे नजर आ रही है गुजरात की। दिल्ली कैपिटल की बोलिंग पता चल जाएगा जब एंड्रिक नोकियन को ज्वाइन करेंगे, पता चल जाएगा इनकी बोलिंग कैसी बोलिंग नजर आती है, लेकिन फिलहाल मुझे गुजरात की बोलिंग अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाजी मुझे दिल्ली खतरनाक लगती है। लेकिन दोबारा कहूंगा गुजरात के पास ज्यादा मैच विनर है, तो देखना यह कि आज का मैच कौन जीतेगा। इंशाल्लाह जिसको कहते हैं रात के टाइम दोबारा आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।